गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज़ यू नो वी आर गोइंग थ्रू इन 201 ENGL 201 वी आर गोइंग थ्रू अ चैप्टर नेम ऑफ द चैप्टर इज विवेकानंद द ग्रेट जर्नी टू द वेस्ट रिटन बाय रोमैन रोलैंड। दो लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी इस कंटेंट की भेज चुकी हूँ विच डील विद विवेकानंदाज ग्रेट जर्नी टू द वेस्ट। एक इंसान है, उसको कुछ लोग मिलके एक जर्नी पे भेज देते हैं। डेस्टिनेशन का पता नहीं है, इवेंट का पता नहीं है, कहाँ होने वाला है। एक इवेंट के लिए भेजा गया था, वो इंसान वहाँ कितना ज़्यादा झेलता है, किस तरह की डिवेलपमेंट देखता है, एवरी थिंग इट रिमेन्स इन हिज आइज। विवेकानंदा के पास ही वो सब कुछ रहता है जो नॉलेज उन्होंने गेन किया था। एट लास्ट ही इज़ हेल्प बाय अ लेडी हु टेक्स हिम होम, और वहाँ पर जाके उसको जो है वो उनको कॉन्टैक्ट्स देती है। वो कॉन्टैक्ट्स उनको एक लेटर देते हैं जो रास्ते में गुम हो जाता है, पैसे गुम हो जाते हैं। अगेन ही टर्न्स फॉर बैगिंग, और बड़ी मुश्किल से जाके जो है वो पार्लियामेंट में उनको एंट्री मिलती है। अब जो रेफरेंस है, इट इज़ ए क्वेश्चन इन जनरल भी बनता है, और वैसे भी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन मंडे 11 सितंबर 1893 में द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट वॉज ओपन्ड। और उनकी जर्नी कब शुरू हुई थी, 11 सितंबर को सेशन था ना, और जो उनकी जर्नी शुरू हुई थी इट स्टार्टेड ऑन 31 मे की एंडिंग से जून पूरा, जुलाई अगस्त 3.5 मंथ्स ऑलमोस्ट जो थे वो उनके पास थे, जिनमें उन्होंने ज़िंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट देखे। द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट वॉज ओपन एट द सेंटर, वहाँ पे जो सीटिंग अरेंजमेंट था सेंटर में कौन था, कार्डिनल गिबन्स। राउंड हिम टू लेफ्ट एंड राइट वर ग्रुप द ओरिएंटल डेलीगेट्स, प्रताप चंद्र मजूमदार लेफ्ट और राइट पे एक प्रताप चंद्र मजूमदार थे। ही वॉज द चीफ ऑफ ब्रह्मो समाज एंड ओल्ड फ्रेंड ऑफ विवेकानंदा। ही वॉज रिप्रेजेंटिंग इंडियन थीस्ट्स टुगेदर विद नागरकर ऑफ बॉम्बे। वहाँ पे वो इंडियन थीस्ट जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे, उनके बारे में वो लोग जानते थे, उन्होंने वो डिस्कस करना था। और नागरकर ऑफ बॉम्बे जो था वो भी वहाँ पे था। धर्मपद रिप्रेजेंटिंग द बुद्धिस्ट ऑफ सिलोन, सिलोन श्रीलंका के जो बुद्धिस्ट उनको रिप्रेजेंट करने वाले भी थे। गांधी रिप्रेजेंटिंग द जैन्स, कोई गांधी थे वो जैन को रिप्रेजेंट करते थे। चक्रवर्ती रिप्रेजेंटिंग विद एनी बेसेंट द थियोसॉफिकल सोसाइटी, और मिसेज एनी बेसेंट थी जिनके साथ कोई चक्रवर्ती थे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते थे। बट अमंगस्ट देम ऑल इट वॉज द यंगेस्ट मैन हु रिप्रेजेंटेड नथिंग बट एवरीथिंग। उन सब में एक यंग मैन था, सबसे ज़्यादा छोटी एज का एक लड़का था जो कुछ भी नहीं बताने जा रहा था लेकिन फिर भी सब कुछ बताने जा रहा था। सो द मैन बिलोंगिंग टू नो सेक्ट, वो किसी सेक्ट से संबंधित नहीं था, जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स हमारे बने होते हैं उससे संबंधित नहीं था। एंड बट रादर टू इंडिया एज अ होल, वो किसी सेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, वो पूरे के पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। रादर टू इंडिया एज अ होल हु ड्रू द ग्लांस ऑफ द असेंबल्ड थाउजेंड्स, हज़ारों लाखों लोग जो इकट्ठे हुए थे उनकी नज़रें विवेकानंदा पे टिकी हुई थी। हिज फैसिनेटिंग फेस, उनका चेहरा बड़ा सिंपल सोबर सा था, मैंने आपको पहले भी बताया था जैसी सोच है हमारा फेस वैसा ही हो जाता है। एंड हिज नोबल स्ट्रेचर, उनका जो पहरावे का तरीका था, द गॉर्जियस अपैरल, कपड़ा तो अमेजिंगली गुड था वो जो उन्होंने पहना था, विच हाइटन द इफेक्ट ऑफ द ऑफ दिस अपैरिशन फ्रॉम द लेजेंडरी वर्ल्ड, हिड हिज ओन इमोशन, उनके भाव छुप गए और एक ये लगा जैसे कोई लेजेंडरी वर्ल्ड का कोई कैरेक्टर उनके सामने था। ही मेड नो सीक्रेट ऑफ इट, उन्होंने कोई चीज़ छुपाई नहीं। इट वॉज फर्स्ट टाइम ही हैड हैड टू स्पीक बिफोर सच एन असेंबली, इतनी बड़ी गैदरिंग को उनको एड्रेस करना था वो पहली बार था। एंड एज द डेलीगेट्स प्रेजेंटेड वन बाय वन, एक एक करके डेलीगेट्स आते रहे, दे हैड टू अनाउंस देमसेल्व्स इन पब्लिक विद अ ब्रीफ हैरिंग, एक ब्रीफ नोट में उन्होंने अपने बारे में बताना था कि क्या क्या उनकी क्वालिटीज थी और वो करते क्या थे। विवेकानंदा लेट हिज टर्न गो by आर आफ्टर आर अंटिल द एंड ऑफ द डे, विवेकानंदा अपनी वेट का टर्न का वेट करते रहे, शाम हो चली, बट वेन देन हिज स्पीच वॉज लाइक द टंग ऑफ फ्लेम, लेकिन जो उन्होंने बोला दैट वॉज अमेजिंगली गुड। बोलना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कुछ जरूरी बोलना इज इम्पॉर्टेंट, जैसे आग उगल रही थी उनकी जीप, अमंग द ग्रे वेस्ट ऑफ ओल्ड डिजर्टेशन इट फायर द सोल्स ऑफ द लिसनिंग थ्रॉन्ग, लिसनिंग थ्रॉन्ग मीन्स पीपल हु वर देयर। सो अमंग द ग्रे वेस्ट ऑफ ओल्ड डिजर्टेशन देर वर पीपल, देर वर वेरी ओल्ड पीपल देर हुज हैड वर ग्रे, उनके बाल ग्रे हो चुके थे, बट वॉट्सो एवर दे डिस्कस्ड इट वॉज यू नो इट वॉज मैंट फॉर पीपल बट वॉट्सो एवर विवेकानंदा सेड, लेकिन जो विवेकानंदा ने कहा ना इट फायर द सोल्स ऑफ द पीपल हु वर देयर, उनकी जैसे आत्मा जागृत हो गई। हार्डली हैड ही प्रोनाउंस द वेरी सिंपल ओपनिंग वर्ड्स, अभी बड़ी मुश्किल से ओपनिंग वर्ड्स बोले थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका उन्होंने कहा था, अमेरिकन भाई बहनों, एंड हंड्रेड्स रोज इन देयर सीट्स एंड अप्लॉडेड, हज़ारों लोग खड़े होकर अप्लॉड करने लगे, क्लैपिंग करने लगी। ही वॉन्डर्ड वेदर इट कुड रियली बी द वे देवर अप्लॉडिंग, कि क्या वो उसी के लिए अप्लॉड कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे। द मै ही वॉज सर्टनली द फर्स्ट टू कास्ट ऑफ फॉर्मेलिज्म ऑफ द कांग्रेस, वो पहले इंसान थे जिन्होंने
फॉर्मेलिटी वाली डील को नकारा था एंड टू स्पीक टू द मॉसेस इन ए लैंग्वेज फॉर विच दे वर वेटिंग, और आम आदमी की भाषा में लोगों से उन्होंने बात करनी शुरू की। अब क्या हुआ, साइलेंस फैल अगेन, लोग चुप हो गए। ही ग्रीटेड द यंगेस्ट ऑफ द नेशंस इन द नेम ऑफ मोस्ट एंशिएंट मोनेस्टिक ऑर्डर इन द वर्ल्ड। उन्होंने नए नए नेशंस के जो नाम थे उनको ग्रीट किया और क्या कहा कि आर्स इज द एंशिएंट मोनेस्टिक ऑर्डर इन द वर्ल्ड, द वैदिक ऑर्डर ऑफ सन्यासीज। ही प्रेजेंटेड हिंदुइज्म एज द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स विच वी नो वेल, हु हैड टॉट देम द डबल परसेप्ट, जिसने उन्हें डबल तरह की जो है वो एक बिलीफ दिया था, एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड वन अनदर, एक दूसरे को स्वीकार करो विद कमी विद वीकनेस और एक दूसरे को समझो। ही कोटेड टू ब्यूटिफुल पैसेज फ्रॉम द सेक्रेड बुक, पवित्र बुक से उन्होंने दो पैसेज पढ़े। हु एवर कम्स टू मी, गॉड इज सेइंग कि जो मेरे पास आता है, वट सो एवर फॉर्म, जैसे मर्जी आएगा वो, ही विल बी एंटरटेन्ड, ही आई रीच हिम, ऑल मैन आर स्ट्रगलिंग थ्रू पार्ट्स विच इन द एंड लीड टू मी, कि लोग अलग अलग रास्ते वर्शिप के तैयार करते हैं लेकिन एंड में तो मेरे पास ही आना है। ईच ऑफ द अदर ओरेटर्स हैड स्पोकन ऑफ हिज गॉड, दूसरे ओरेटर्स ने, किसने क्राइस्ट की बात की, किसने ब्रह्म बुद्धा की बात की, किसने जो है वो जैनी की बात की, लेकिन विवेकानंद ने सबकी एज अ होल ही बात की। ही स्पोक अलोन स्पीक ऑफ ऑल देयर गॉड्स एंड एम्ब्रेस देम ऑल इन द यूनिवर्सल बींग, कि वो लोग जो अपने जो है वो भगवानों की बात करते हैं ना, ये अलोन स्पोक ऑफ ऑल देयर गॉड्स एंड रिमेंबर एम्ब्रेस देम इन ऑल द यूनिवर्सल बींग, इट वॉज द ब्रेथ ऑफ रामकृष्ण। तो ये क्या था, ये ब्रेथ ऑफ रामकृष्ण था, रामकृष्ण की एजुकेशन थी, ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स टू द माउथ ऑफ हिज ग्रेट डिसाइपल। वो उन बैरियर्स को तोड़ना चाहते थे जो लोगों ने लगाए हैं, किसके मुंह से, ग्रेट डिसाइपल के मुंह से, उसको रिसाइट करवा के द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस गेव यंग ओरेटर एन ओवेशन, और उन्होंने यंग ओरेटर को एक स्टैंडिंग ओवेशन थी। हु वाज द यंग ओरेटर, विवेकानंद वाज द यंग ओरेटर। आई हैव टोल्ड यू इफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ सैम ऑफ लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ प्रेयर इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड दिस वेरी चैप्टर विवेकानंद ग्रेट जर्नी टू द वेस्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा क्या, वट यू हैव टू डू। सेकेंड क्वेश्चन का एक पार्ट है, वट वर विवेकानंदाज थाट्स एज ही विजिटेड चाइना एंड जापान ऑन हिज वे टू शिकागो, और ब्रीफली डिस्क्राइब विवेकानंदा स्पीच, ये सेकेंड पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन है। थर्ड का क्या है, शॉर्ट और लेंथी क्वेश्चन आर देयर, ओपनिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस एट शिकागो, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है लेंथी भी है, आप इन दोनों को प्रिपेयर करोगे, आप ग्रामर वाला सेक्शन बिल्कुल भी टच नहीं करोगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। सो वी हैव कम्प्लीटेड टू पोइम्स एंड टू पोइम्स वी हैव कम्प्लीटेड और थ्री पोइम्स, लेट मी सी, वी हैव कम्प्लीटेड अ सैम ऑफ लाइफ एनिमल्स देन इफ then Lake Isle of Insifri, four poems we have completed and we have completed two chapters also. आपका grammar वाला जो concept है we'll discuss it later on. अभी आप क्या करोगे, आप इसके reading comprehension करोगे, जो previous paper था, previous जो आपकी poems थी और आपका जो essay था, आप इनके reading comprehension सभी को करोगे और वो comprehension क्या होगी, that would be a sort of your assignment where what you have to do, you have to prepare it from a viewpoint की 10 नंबर हैं, ठीक है ना, असाइनमेंट इज ऑफ 10 मार्क्स और इस साल तो आपके असाइनमेंट लिए जाएंगे। सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड जस्ट कीप ऑन डिवेलपिंग सर्टन हॉबीज टू कीप योर सेल्फ वेरी वेरी बिजी एंगेज पॉजिटिव। सो गुड बाय।